हाँ जी, सो दो सेक्शंस है इसके अंदर में। पहला तो सेक्शन नंबर 35 है। अच्छा, इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है नहीं, बेयर एक्ट भी छोटू सा है, कुछ चीजें हैं एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लिए लिखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम के पहले देख के जाना है, तो हम और आप डायरेक्ट लिखना चालू करेंगे। इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने जैसा है नहीं, चीजें सिर्फ नोट डाउन करने जैसा है। ये चैप्टर को एग्जाम के पहले जो मैं मैराथन या रिविजन लूंगा ना आपके लिए, डायरेक्ट तब देखना है, आज के बाद इसका कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है एज सच देखा जाए तो। ठीक है, आ जाइएगा। तो आप लिख सकते हो सेक्शन नंबर 35 अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स, और सामने ध्यान दीजिएगा। मैं फटाफट से आपके लिए पहले एक बार बेयर एक्ट में से सेक्शन सिर्फ रीड कर रहा हूं, इसमें ज्यादा रूल्स भी नहीं है। आई होप आपने टाइटल दे दिया होगा। चलो, मैं सेशन में भागने वाला हूं आज, जितना आपने मुझे आज से पहले भागते हुए देखा है उतना ही ऑब्वियसली। कहीं आपको लगे कि यार ये सर आपको शायद लग रहा है ये हमें आ रहा है बहुत आसान है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बट मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ऐसा, तो मुझे रोक लेना उस समय। ऐसा होगा नहीं ज्यादातर, बट अगर होता है तो मुझे जरूर रोक लीजिएगा। ठीक है, आइएगा सेक्शन नंबर, जाता हूं मैं 35 पे। सेक्शन नंबर 35, आपका काउंसलर देखिए जरा क्या बोलते हैं ये, आइए देखते हैं। अरे हाँ यार ना, यहाँ तक चीज क्लियर है ना, पक्का? यस और नो? यस सर। मैडम कहाँ गायब है? हाँ, मैडम ने भी यस बोला है। इशिता, तबीयत ठीक है क्या आपकी? चलिए, सो सेक्शन 35 अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स के अंदर में देखिए क्या बोलते हैं। सब सेक्शन 1 बोलता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल कीप एंड मेंटेन, क्या बोलता है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल कीप एंड मेंटेन एट इज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एट इज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एज मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में हम जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस देंगे, हम उसी की बात यहां करेंगे जब मैं प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बोलता हूं। तो मैं सिर्फ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस करके बोलूंगा अभी के बाद, यहां एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। ये अज्यूम्ड है कि हम पीपीओबी और एपीओपी की बात कर रहे हैं, कौन सी? जो आपका कहां दिया हुआ है, जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में दिया हुआ है। ठीक है, अ ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट ऑफ, देखिए क्या क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स, इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ द गुड्स, स्टॉक ऑफ द गुड्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ द गुड्स दैट यू हैव अवेल्ड, आउटपुट टैक्स पेबल एंड दैट यू हैव पेड, एंड एनी अदर सच पर्टिकुलर्स एज बी प्रिस्क्राइब्ड। और भी कोई चीज अगर आपको बोली गई है तो वो चीजें भी आपने यहां पे लिखनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोलते हैं आगे, provided that where more than one place of business is specified in the certificate of registration, accounts relating to each place of business shall be kept at such particular places. So, मेरा principal place of business में तो maximum records होने चाहिए जो भी जरूरी है। इसके अलावा मेरा एक गोडाउन है, एक ब्रांच ऑफिस है, एक warehouse है, और कोई शॉप है, और कोई शोरूम है, और कोई ऑफिस है, और कोई चीज है, तो वहां पे वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के उस एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस सीमित तक उतनी चीजें जो है वो वहां पे मुझे रखनी है, वहां पे अवेलेबल करके रखनी है। Provided further that the registered person may keep and maintain such records and other particulars in electronic form in such manner as may be prescribed. तो अगर more than one place of business है तो क्या करना है, यहाँ proviso में है, और electronic format में रखना है नहीं, यहाँ proviso में है। Every owner or operator of a warehouse, ध्यान दीजिएगा सिर्फ खास करके warehouse की बात हो रही है, सिर्फ warehouse assume करता हूँ, गोडाउन भी आ गया। Every owner or operator of the godown or warehouse or any other place used for the storage of goods or storage of goods and every transporter irrespective of whether he is registered person or not, मतलब transporter ने तो 100% रखना है, shall maintain records of the consigned or consigned in other relevant details in the goods of the goods in such a manner as may be prescribed. क्या कह रहे हैं ये, ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड हो या ट्रांसपोर्टर अनरजिस्टर्ड हो, मतलब जीटीए जो है आपका, जीटीए चाहे रजिस्टर्ड हो, जीटीए चाहे अनरजिस्टर्ड हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उस ट्रांसपोर्टर को, उस जीटीए को, गुड्स के डिटेल्स, कंसाइनर के डिटेल्स, कंसाइनी के डिटेल्स और भी कोई डिटेल्स अगर दिए हुए है, ये सब की सब चीजें क्या करनी है आपने यहाँ पे मेंटेन करनी है। उसी के साथ साथ वेयरहाउस का ओनर होगा या ऑपरेटर होगा, कोई ऑपरेट कर रहा है तो भी मेंटेन करना है, ओनर होगा तो भी मेंटेन करना, मतलब बेसिकली गुड्स के आसपास में जो चीजें हैं उनके लिए यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है, कुछ खास था नहीं ऐसा। अच्छा, इसमें थोड़े से एनालिसिस जरूर है, मैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ी देर में, आगे बढ़ता हूँ। कमिश्नर में नोटिफाई क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्संस टू मेंटेन एडिशनल रिकॉर्ड्स, नोटिफाई किया जाएगा तो एडिशनल अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स जो भी पर्पस के लिए नोटिफाई किया जाएगा वो।
Where the commissioner considers that any class of taxable person is not in a position to keep or maintain books of accounts in accordance with the provisions of this section, he may, for reasons to be recorded in writing, permit class of people to maintain accounts in such manner as may be prescribed. अगर हम पूरे के पूरे books of accounts जो यहाँ section के अंदर में दिए हुए हैं ये नहीं maintain कर पाते हैं, ऐसा officer को लगता है, और officer अगर इससे convinced है तो वो reasons को writing में लिख लेगा और आपको allow करेगा कि आप कम books of accounts maintain करिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, subject to provisions of clause H of subsection 5 of section 17 ITC में जहां पे credit allowed नहीं है उसकी बात हो रही है, where the registered person fails to account for the goods or services or both in accordance with the provisions of subsection 1, the proper officer shall determine the amount of tax payable on the goods or service or both that are not accounted for as if such goods or services have been supplied and the provisions of section 73 यानी कि वसूली वाला section, कौन सा, demand and 74 shall be mutatis mutandis apply for determination of tax। मतलब आपने कुछ supply किया है but आपने उसको record नहीं किया है तो हम यह assume करेंगे कि उसको हमने record कर दिया है और उसके ऊपर हम आपको tax pay करने लगाएंगे। बात समझने आ रही है क्या, हाँ या ना, ठीक है। So अगर मैंने कोई चीज के ऊपर tax नहीं भरा है, क्यों नहीं भरा है, मेरे अकाउंट्स में है ही नहीं वो चीज तो मैंने नहीं भरा, बट आपके अकाउंट्स में वो चीज होनी चाहिए थी, आपने नहीं रखी है, ये आपकी गलती है, 73-74 के अंदर फ्रॉडुलेंट या बाय मिस्टेक वाला जो सेक्शन था उसके अंदर में आप डायरेक्टली आ जाओगे। आई होप क्लियर है, ठीक है। सो जहां पे आपने अकाउंट फॉर नहीं किया है उसके लिए सबसेक्शन 6 बात करता है। बस इतना ही था 35, आधा चैप्टर के ऊपर खत्म। 36 क्या बोलता है देखिएगा, 36 बोलता है पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स, कितने सालों के लिए, कितने समय के लिए, ध्यान दीजिएगा, every registered person required to keep and maintain books of accounts or any other records in accordance with the provisions of subsection 1 of section 35 shall retain them until the expiry of 72 months from the due date of furnishing the annual return for the year pertaining to such accounts and records। मतलब अगर मैं 22-23 की बात करता हूं, इसका ड्यू डेट क्या है, एक्चुअल डेट नहीं बोला है बेटा, ड्यू डेट बोला हुआ है, ड्यू डेट है 31-12-23, यहां से लेकर के 72 months मतलब कितने साल, 72 months मतलब कितने साल बताइए, can I say 6 years, 72 divided by 12, 6 years के लिए मैंने books of accounts मेरे पास maintain रखने हैं, retain करके रखना है, कभी भी मांगा जा सकता है। अगले chapter में assessment की बात करेंगे, assessment कब खोला जा सकता है इन cases में, provided that a registered person who is party to an appeal or revision or any other proceedings for any appellate authority or revisional authority or appellate tribunal or court, whether filed by him or by the commissioner or is under any investigation for any offense, shall retain books of accounts and other records pertaining to subject matter of appeal, revision, proceedings or investigation till the for a period of 1 year after, highlight kar deta hu, 1 year after the final disposal of such appeal, revision or proceedings or investigations or for a period specified whichever is later। मतलब अगर ऑफिसर बोलता है कि 2 साल तक, कोर्ट बोलता है 2 साल तक, तो उतने साल तक जो भी स्पेसिफाइड है, नहीं बोलता है तो 1 ईयर तक मिनिमम मेंटेन करना है। कोई भी चीज इसके अलावा यहाँ पे नहीं दी गई है 36 के अंदर में, तो 35 में तो भी 2-3 पॉइंट है, 36 में तो कुछ भी नहीं है। आइए रूल्स के अंदर आपको लेके जाता हूँ, देख पा रहे हो 3 ही पेज है रूल्स के, आइए रूल्स के अंदर पेज नंबर 237 है ना, देखिए 35-36 समझा क्या आपको, पहले मुझे वो बताओ, मतलब कुछ था नहीं वैसे, बट जितना भी था जो भी था आपको समझने आई क्या चीज, 35-36 मैं लिखवा के दे रहा हूं कुछ चीजें, बट वो चीजें कॉमन है रूल्स के लिए, उनको मर्ज करके लिखना है, इसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ, बताइएगा फटाफट से बताइए। यस सर, चलो ध्यान दो, 56 की बात करता हूं मैं, 56 के अंदर में क्या है देखते हैं। 56 बोलता है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन, ये मेंटेन करने की बात कर रहा है, 56 हो गया ये। 57 देखिए क्या बात करता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में बात करता है। 58 देखिए वेयरहाउस और ट्रांसपोर्टर की बात करता है, क्या यही तो हम सेक्शन नंबर 35 में देख के आए थे, तो उसमें जो प्रिस्क्राइब बैनर लिखा था ना, वो प्रिस्क्राइब बैनर यहां आता है, ठीक है, ध्यान देना। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं, कोप अप करने की कोशिश करिए, रिकॉर्डिंग वालों पॉज कर सकते हो, खुद से रीड कर सकते हो, फिर मेरे साथ ध्यान देना, ठीक है। चलो,
एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शेल कीप एंड मेंटेन इन एडिशन टू द पर्टिकुलर्स मेंशन्ड इन 35 अ ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड और ऑफ सप्लाइज अट्रैक्टिंग पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस विथ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई डिलीवरी चलान क्रेडिट नोट डेबिट नोट रिसीट वाउचर्स पेमेंट वाउचर रिफंड वाउचर सब कुछ मेंटेन करना है। खास करके बात किसकी हो रही है बेटा जी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की और उस चीजों की जहां पर आप रिवर्स चार्ज यूज कर रहे हो। सेकंड देखिएगा, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन नंबर 10, यानी कि किसकी बात हो रही है बेटा, कंपोजिशन अदर देन कंपोजिशन शैल मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन केस ऑफ स्टॉक ऑल्सो रिसीव्ड एंड सप्लाइड बाय हिम। देखो कंपोजिशन वाले को तो आईटीसी लेना ही नहीं है तो कंपोजिशन के केस में ये नहीं आएगा, बट कंपोजिशन के अलावा अगर आप रजिस्टर्ड हो यानी कि नॉर्मल स्कीम में आप रजिस्टर्ड हो उस केस में या क्यूआरएमबी में भी हो, आपको स्टॉक के रिकॉर्ड्स रखने हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स आपके पास मिले हैं यानी कि रिसीव्ड हुए हैं और दिए हुए हैं रिसीव्ड एंड सप्लाइड बाय हिम एंड सच रिकॉर्ड्स और अकाउंट शैल कंटेन पर्टिकुलर्स ऑफ दैट इज ओपनिंग बैलेंस रिसीट सप्लाई गुड्स लॉस्ट स्टोलन डिस्ट्रॉयड रिटर्न ऑफ डिस्पोज्ड गिफ्ट फ्री सैंपल एंड दी बैलेंस, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग के बीच में जितने भी सप्लाई हुए हैं सब चीजें इंक्लूडिंग, देखिएगा ध्यान से, रॉ मटेरियल अलग से, फिनिश गुड अलग से, स्क्रैप अलग से, वेस्टेज अलग से करना है। ठीक है, तो वहां पे बताया था क्या करना है या उसका मैनर किस तरीके से है वो बताया गया है। बेसिकली एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल कीप एंड मेंटेन अ सेपरेट अकाउंट्स ऑफ एडवांसेस रिसीव्ड पेड एंड देयर एडजस्टमेंट्स, व्हाई बिकॉज़ वी नीड टू पे जीएसटी ऑन देम एज वेल, तो उसका प्रॉपर अकाउंटिंग होना चाहिए कि इस दिन पे इतना एडवांस आया था, इस दिन पे इतना एडवांस का यूज हुआ है फाइनल बैलेंस के लिए। ठीक है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 कंपोजिशन के अलावा शैल कीप एंड मेंटेन अकाउंट्स कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ टैक्स पेबल इंक्लूडिंग टैक्स पेबल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3-4 ऑफ 9 दैट इज आरसीएम भी इंक्लूड कर 9394 आरसीएम है ना, टैक्स कलेक्टेड एंड पेड टीडीएस एंड टीसीएस इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड आईटीसी वाला सेक्शन 17 टुगेदर विद अ रजिस्टर ऑफ टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट क्रेडिट नोट एक्सेट्रा। मतलब मुझे मैंने कितना टैक्स कलेक्ट किया है, कितना टैक्स पे किया है, इनपुट टैक्स कितना है, क्लेम कितना कर लिया है, ये सब चीजें, मतलब मैंने बेसिकली रजिस्टर ऑफ टैक्स इनवॉइस के साथ ये सब चीजें भी मेंटेन करनी है, चाहे फिर मैं अलग से डॉक्यूमेंट्स क्यों ना मेंटेन करूं। ठीक है, जिसमें टैक्स के बारे में डिटेल होगा, मतलब बाकी चीजें तो है ही है बट ये चीजें भी जरूरी है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल कीप द पर्टिकुलर्स ऑफ नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ सप्लायर्स फ्रॉम हुम ही हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द एक्ट। ध्यान से वापस पढ़िएगा, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल कीप नेम्स एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ सप्लायर्स फ्रॉम हुम ही हैज रिसीव्ड द गुड्स चार्जेबल टू टैक्स। मतलब आईटीसी मुझे क्लेम करना है ना तो मेरे सप्लायर के डिटेल्स मेरे पास होने चाहिए, नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पर्सन टू हुम ही हैज सप्लाइड द गुड्स और सर्विसेज रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द चैप्टर। तो ये आईटीसी लेने के लिए और ये आईटीसी देने के लिए, मतलब ये है आपका रजिस्टर्ड पर्सन सप्लायर के डिटेल्स, ये है आपका रजिस्टर्ड पर्सन जो रिसिपेंट होगा उसके डिटेल्स। द कंप्लीट एड्रेस ऑफ प्रीमाइसेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड बाय हिम इंक्लूडिंग गुड्स स्टोर्ड ड्यूरिंग ट्रांजिट अलोंग विद द पर्टिकुलर्स ऑफ स्टॉक स्टोर्ड देयर इन वेयरहाउस। इफ एनी टैक्सेबल गुड्स आर फाउंड टू बी स्टोर्ड एट एनी प्लेस अदर देन दोस डिक्लेयर्ड अंडर रूल 5, मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस जो है उसके अलावा, without any cover of valid documents, the proper officer shall determine the amount of tax payable on such goods and if such goods have been supplied by the registered person। मतलब कहीं भी ऐसे पाया गया कि आपने डिटेल्स गलत दिए गए हैं उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा, क्योंकि अज्यूम किया जाएगा आप सप्लाई कर रहे हो उस मोमेंट पे जहां पर गुड्स पकड़े गए हैं। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल कीप द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटिंग टू एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स शैल इंक्लूड एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ डेटा दैट इज स्टोर्ड। Any entry in registers, accounts and documents shall not be erased। ध्यान से देखना। Any entry shall not be erased, effaced or overwritten, and all incorrect entries, otherwise than those of clerical nature shall be stored out under attestation and therefore thereafter the correct entry shall be recorded where the register and other documents are maintained electronically, log of every entry edited or deleted should be maintained। agar main koi bhi software ki baat karta hu, aapne shayad sap use kiya hoga, aapne shayad tally use kiya hoga, in softwares ke andar mein bhi aaj kal ke date pe can say utility di jati hai jahan pe aap entry ko edit agar karte to usko log reh jata ki ye entry ko edit kiya gaya tha, matlab basically aap aapke accounts ke sath chhedchhad nahi kar sakte, soch samajh ke record karo, ek bar record kar de, delete nahi karta, agar delete kiya hai uska explanation dena padega, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद,
ईच वॉल्यूम ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड मैन्युअली बाय द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी सीरियली नंबर्ड। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वाउचर नंबर 1 है फिर वाउचर नंबर 100 है, प्रॉपर सीरियल वाइज नंबरिंग करते जाइएगा उस चीज को, ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज इफ डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्स और एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिलोंगिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन आर फाउंड एट एनी प्रीमाइसेस अदर देन दोज मेंशनड इन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के अलावा दे शैल बी प्रिज्यूम्ड टू बी मेंटेन्ड बाय सच सेड पर्सन। मतलब कल जाकर के रेड किया गया, रेड करने के बाद पता चला आपके घर पे कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, आपका घर तो प्लेस ऑफ रेसिडेंस है आपका, वो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है नहीं एज पर योर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, बट ये अज्यूम किया जाएगा क्योंकि वो आपके पास पाया गया है, तो ये अज्यूम किया जाएगा कि उसके ऊपर टैक्स लगना है। आपने टैक्स भरा या नहीं ये पूछा ही नहीं जाएगा, आपको डायरेक्ट डिमांड नोटिस भेजा जाएगा, आप आकर के बात करिए उसके बाद। क्या आपको क्लॉज नंबर 10 तक समझा है? कैन आई गेट अ यस और नो? उसके बाद आपका आता है व्हाट वी से एजेंट वाला पार्ट, एजेंट वाले पार्ट पे आते हैं उसके बाद, बताइएगा फटाफट से। Is it done? हाँ, अब थोड़ा स्लो कर रहा हूं मैं, एजेंट वाला पार्ट देखिए, इसको मैं लिखवाऊंगा भी अच्छे से, बट पहले समझ लेना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है ये, ठीक है। आ आके एमसीक्यू अगर आता भी इस चैप्टर में से, तो यूजुअली इसमें से आता है। एवरी एजेंट, एजेंट का डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है, शैल मेंटेन अकाउंट्स डिपिक्टिंग द particulars of authorization received by him from each principal to receive or supply goods on behalf of that principal. हर principal का letter of authorization अलग से चाहिए, हर principal का letter of authorization अलग से चाहिए। तो आप agent of 10 लोगों के लिए supply कर रहे हो, तो हर इंसान का आपके पास authorization letter, उसके details अलग से चाहिए। particulars including description, value and quantity जहां जहां applicable है of goods or services received on behalf of the principal. Same thing supply on behalf of the principal, तो description, value and quantity received and supplied दोनों के details आ जाएंगे। details of accounts furnished to every principal, details of accounts furnished to every principal, तो मेरा reconciliation मेरे principal के साथ अगर हो रहा है, मैं agent हूँ, मेरा reconciliation agent का principal के साथ अगर होता है, तो उसके भी accounts, उसके भी formats, उसकी भी चीजें आपने यहाँ पे दिखानी है। tax paid on receipts or on supply of goods effected on behalf of the principal, तो tax paid अगर principal के behalf पे है उसको भी maintain करना है। एक बार पांचों points देख लो, मैं इसको लिखवा के भी दूंगा, पहले देख लो फटाफट से, go for it fast। कोई doubt है यहाँ तक तो बताइएगा। आई होप डन, आगे बढ़ता हूं। अगली चीज देखिए क्या बोलते हैं, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स शैल मेंटेन मंथली। अब देखो मैन्युफैक्चर के लिए खास प्रोविजन है, रजिस्टर्ड पर्सन जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है शैल मेंटेन मंथली प्रोडक्शन अकाउंट शोइंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ रॉ मटेरियल और सर्विसेज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर एंड एट द सेम टाइम अगर कुछ वेस्ट वगैरह है उसको भी हमने बताना है, और जो गुड्स सो मैन्युफैक्चर मतलब कौन सा फिनिश गुड्स की बात हो रही है, फिनिश गुड्स के डिटेल्स भी हमने बताने हैं अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो, नहीं तो नहीं। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज शैल मेंटेन अकाउंट शोइंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ गुड्स यूज्ड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, इनपुट सर्विसेज, यूटिलाइज्ड सर्विसेज एंड सर्विसेज सप्लाइड। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन फॉर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग प्रोविजन से क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, सेपरेट अकाउंट्स रखने हैं उन लोगों के जिनके बिहाफ पे आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्टर और कोई था, आप सब कॉन्ट्रैक्टर थे, तो आपने सभी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। किन लोगों के मेंटेन करने हैं, उन लोगों के ऑन हूज बिहाफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाज एग्जीक्यूटेड, मतलब मेन कॉन्ट्रैक्टर के, समझ रहे हो क्या? अगला पॉइंट देखिए, द
डिस्क्रिप्शन वैल्यू क्वांटिटी वेर एवर एप्लीकेबल ऑफ गुड्स रिसीव्ड फॉर द एग्जीक्यूशन, आपके कॉन्ट्रैक्टर से मिले हैं या फिर यूटिलाइज कर दी है आपने एग्जीक्यूशन के लिए, या फिर जो भी पेमेंट आपने रिसीव किया है फ्रॉम द मेन कॉन्ट्रैक्टर एट द सेम टाइम फ्रॉम हुम ही रिसीव्ड, नेम्स एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर्स फ्रॉम हुम ही रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, तो आपके जो सप्लायर्स होंगे उनके डिटेल्स भी चाहिए, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर जो जिसके पास से आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लिया हुआ है उसके डिटेल्स भी चाहिए। चारों पॉइंट्स एक बार देखो। चलिए आगे बढ़ता हूं। देखिएगा आगे क्या बोलते हैं, द रिकॉर्ड्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर मे बी मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आप इलेक्ट्रॉनिक में मेंटेन करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अगर इलेक्ट्रॉनिक में मेंटेन करते हो तो उसको ऑथेंटिकेट करना चाहिए अपने डिजिटल सिग्नेचर यूज करके। मतलब बाद में ऐसा नहीं बोलना कि ये रिकॉर्ड्स मैंने तो नहीं रखे, मेरे तो रिकॉर्ड्स नहीं है। अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन टुगेदर विद ऑल द इनवॉइसेस बिल ऑफ सप्लाई क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स एंड डिलीवरी चालान्स रिलेटिंग टू स्टॉक्स डिलीवरीज इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई शैल बी प्रिजर्व्ड फॉर अ पीरियड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 36। कितना था? 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द एनुअल रिटर्न फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। वेयर सच अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर मेंटेन्ड मैनुअली दे हैव टू बी सीरियली नंबर्ड and have to be mentioned as per whatever place is there in the you can say registration certificate, usi place pe rakhne hain, theek hai। uske baad any person having custody over the goods in the capacity of a carrier or a clearing and forwarding agent or a delivery agent, right, or a dispatch thereof to a recipient on behalf of registered goods shall maintain true and correct records in respect of such goods handled by him। to jo bhi goods handle karta hai उस इंसान के डिटेल्स तो आने ही आने हैं। एंड शैल प्रोड्यूस द डिटेल्स thereof as and when required by the proper officer। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल ऑन डिमांड प्रोड्यूस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हिच ही इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अंडर दिस लॉ। तो कभी भी आपको नोटिस आ सकती है कि बेसिक से इंक्वायरी करनी है, आपके अकाउंट्स हमें चाहिए, आपको अकाउंट्स प्रेजेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, 57 बात करता है, छोटा सा रूल है, 57 बात करता है प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक बैकअप, सबसे इंपॉर्टेंट। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मेरा बैकअप डिलीट हो गया, नहीं, आपको इलेक्ट्रॉनिक अगर मेंटेन करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक बैकअप भी मेंटेन करना है। And preserved in such manner in the event of destruction of such records due to accident, natural causes, the information can be restored within reasonable period of time। सिर्फ बैकअप की बात नहीं हो रही बेटा जी, बात हो रही है बैकअप तो चाहिए बट रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में चाहिए। रजिस्टर्ड पर्सन मेंटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल प्रोड्यूस ऑन डिमांड रिलेवेंट रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय हिम इन द हार्ड कॉपी और इलेक्ट्रॉनिक रीडेबल फॉर्मेट। पीडीएफ भेज सकते हो, एक्सेल भेज सकते हो, सॉफ्टवेयर का कॉपी डेटा दे सकते हो। Where the accounts and records are stored electronically by way of registered person by any, he shall on demand provide the details of files, passwords and explanation for codes if at all it is required and any other information which is required to access such data along with a sample copy in print form of these are। आपका सॉफ्टवेयर एक्सेस कैसे करना है उनको नहीं पता है, आपने बताना पड़ेगा। पासवर्ड है, पासवर्ड आपने देना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट, अगर वेयरहाउस के केस की हम बात करते हैं, every person required to maintain records and accounts in accordance with the provisions of subsection 2 of section 35 if not already registered under this act shall submit the details regarding his business electronically on the common portal in form GST ENR01 either directly or through a facilitation center notified by the commissioner upon validation of the details furnish a unique enrollment number shall be generated and communicated to the said person।
फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दीज रूल्स अ ट्रांसपोर्टर, अब ध्यान देना, ट्रांसपोर्टर हु इज रजिस्टर्ड इन वन और मोर स्टेट हैविंग सेम पैन नंबर ही मे यूज यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर, इसको हमने ईवे बिल के अंदर भी दिखा है, बाय सबमिटिंग डिटेल्स इन फॉर्म नंबर GST ENR 2 GST ENR 2 यूजिंग एनी वन ऑफ हिज GSTIN एंड अपॉन वैलिडेशन फर्निश अ यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर शैल बी जनरेटेड कम्युनिकेटेड टू द सेड ट्रांसपोर्टर। आपको बताऊं क्या ईवे बिल में हमने देखा था इसको, याद आ रहा है क्या? नहीं ना, मुझे पता था नहीं याद आएगा, रुको, ये बिल के नोट्स कहाँ हैं? ये देखो, हमने देखा था अगर ईवे बिल जो है आपका, ये कंसाइनर ने भी नहीं निकाला है, सप्लायर ने भी नहीं, रिसिपिएंट ने भी नहीं, तो आप एज अ ट्रांसपोर्टर उसको निकालेंगे। अगर आपके पास सिंगल रजिस्ट्रेशन आपका GSTIN यूज करिए, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कॉमन यूनिक एनरोलमेंट नंबर यूज करिए, नहीं है तो ट्रांजिट नंबर यूज करिए। यहाँ क्या बोलते हैं, ये यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर यूज करिए अगर आपका GST रजिस्ट्रेशन मल्टीपल केसेस में। Provided that where said transporters obtain unique common enrollment number, he shall not be eligible to use any GST number for the purposes of this act. The person enrolled in this subsection in any other state shall be deemed to be enrolled in a particular state. Every person who is enrolled under this rule where required amend the details in the form GST ENR 1 electronically on the portal directly etc. Subject to the provisions of Rule 56, any person engaged in business of transporting the goods shall maintain records of the goods transported, delivered and goods stored in transit, if any, by him with the GST number of the registered consignor and consignee, dono ke liye, for each of his branches. Every owner or operator of a warehouse or a godown shall maintain books of accounts with respect to the period for which particular goods remain in the warehouse, including goods relating to dispatch, movement, etc. Owner, operator of the godown shall store the goods in such manner that they can be identified item-wise and owner-wise and shall facilitate physical verification or inspection if required. Kuch dam tha kya chapter mein? End moment pe bhi ek bar dekh loonge to bhi chal jayega. But hum log likh hi rahe hai, to aayi ek bar isko fada fad se hum log likh lete hai. Likhiyega title, aapne title to de diya hai. ये क्लियर है क्या, समझा है क्या? मतलब याद तो नहीं होगा ऑब्वियसली, उसको छोड़ दो, समझा है क्या? कुछ था ही नहीं समझने जैसा, मतलब आइडली ये चैप्टर आप अपने दम पे भी कर सकते हो, बट हम एक बार इसको देख लेते हैं इसलिए, बिकॉज अगर जा करके कल आपको कोई डाउट आता है और मैं नहीं अवेलेबल होता हूं, तो यहां पे पहले तो हम फटाफट से डाउट्स क्लियर कर लेंगे, ठीक है? चलिए आ जाइए, साथ में लिखना है, आ जाइए साथ में लिखना है। Accounts and other records, ठीक है? Accounts and other records, accounts and other records. Section 36 बात करता है, मतलब रिटेंशन, विच रिकॉर्ड्स, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, विच रिकॉर्ड्स के लिए आई फॉर्मेट्स, आई फॉर्मेट्स, आई से आता है इनवर्ड सप्लाइज, एफ से आता है फॉरेन ट्रेड, यानी कि इंपोर्ट भी आ जाएगा एक्सपोर्ट भी आ जाएगा, फॉरेन ट्रेड के बाद ओ से आता है आउटवर्ड सप्लाइज, आर से आता है आरसीएम में जो आपने परचेसेस किए हुए हैं, एम से आता है अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड अलग से चीजें थी, और भी देखे थे हमने, ए में एडवांसेस के रिगार्डिंग एंड इट्स एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग, पी से टैक्स डिटेल्स जिसमें इनपुट टैक्स भी आ जाएगा आउटपुट टैक्स भी आ जाएगा, एस से स्टॉक ऑफ, इसमें जो लास्ट की दो हैं कंपोजिशन रजिस्टर्ड पर्सन जो है उन्होंने ये मेंटेन नहीं करना है, तो क्या क्या मेंटेन करना है, आई फॉर्मेट आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है, आई फॉर्मेट आप इसको याद रख सकते हो, फॉर हाउ लॉन्ग मैं लिखना चालू करता हूं, आप फॉलो करिएगा। जब मैं अपील बोलता हूं उसमें रिवीजन एक्सेट्रा सब आ जाता है, तो नॉर्मल केसेस में क्या हो जाएगा बेटा, नॉर्मल केसेस में इट वुड बी 72 मंथ्स, हम डायरेक्टली 6 इयर्स नहीं बोलेंगे, बट 72 मंथ्स इज ऑब्वियसली इक्वल टू 66 इयर्स, सॉरी, फ्रॉम
अपील के केसेस में क्या हो जाएगा इज लेटर ऑफ टू थिंग्स, लेटर ऑफ क्या जाएगा आपका इन केस ऑफ 36, कितना रिटेन करना है, कब रिटेन करना है। तो देखिए ये एसेट समरी था दोनों भी सेक्शंस का, इसके अलावा देखा जाए तो सब्जेक्ट के अंदर में या इस टॉपिक के अंदर में इस चैप्टर के अंदर में कुछ भी नहीं है एज सच। हाँ अब ऐसा जरूर है कि इसके अलावा कुछ प्रोविजन छोटे मोटे हैं जो हमने लिखने हैं, तो उसकी छोटी सी लिस्ट बनाई हुई है मैंने, आइए उसको हम साथ में कंप्लीट करते हैं। यहां तक हो गया है क्या, यहां तक हो गया है क्या, इसी के नीचे लिखना अगर आपका एक प्लेस ऑफ बिजनेस है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है बस वही मेंटेन करना है। अगर एक से ज्यादा है तो आपने हर एडिशनल के लिए आपने मेंटेन करना है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अच्छा देखिए इसमें जो पॉइंट्स थे जहां पे ये बताया गया था कि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में मेंटेन करते हो तो आपको जब भी बताया जाए आपने डिजिटल सिग्नेचर के साथ मेंटेन करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, मैं वो लिखवा नहीं रहा हूं, मुझे लगता है उसकी जरूरत नहीं है ऐसे कि हम उसको लिख करके रखें। क्या लगता है आपको लिख करके रखें उसकी जरूरत, मुझे नहीं लग रही है उस केस में। ठीक है आइए आगे बढ़ते हैं, लिखेगा एजेंट के केस में क्या होगा। तो क्या क्या चीजें करनी है अकाउंट्स के केस में इन केस ऑफ एजेंट अलग से, ऑथराइजेशन फ्रॉम एवरी प्रिंसिपल पहली चीज, दूसरी चीज received on behalf, supplied on behalf, lastly क्या था, हर प्रिंसिपल को जो अकाउंट सबमिट किए हैं वो भी हमें देने हैं। आगे लिखिए अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड बाय, अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड बाय प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरर, बेसिकली प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर। और मैन्युफैक्चरर पहले तो यहां पे क्या करना है, मंथली प्रोडक्शन अकाउंट्स, कोई बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया आप नहीं करना चाहते थे या कोई वेस्ट आ गया जिसको आपने स्क्रैप ऑफ कर दिया वो भी चाहिए। उसके बाद लिखिएगा वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर के केस में,
और क्या था? ईच पेमेंट रिसीव्ड फॉर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट आल्सो। मेरे ख्याल से बस इसके अलावा एक हाथ पॉइंट ही है, ये लिख लो, बताता हूँ मैं। ट्रांसपोर्टर के केस में, ट्रांसपोर्टर के केस में आता है, ये लिख लो, ट्रांसपोर्टर के केस में आता है। डन है, रजिस्टर्ड रहे अनरजिस्टर्ड करे फर्क नहीं पड़ता, मेंटेन करने हैं। इसके नीचे था ओनर और ऑपरेटर ऑफ अ वेयर हाउस, इसके बाद उस पॉइंट पे आता हूँ। ट्रांसपोर्टर डन है, वन ऑफ द लास्ट पॉइंट्स दैट इज क्या क्या मेंटेन करेगा ये? मतलब बेसिकली इनवर्ड आउटर मूवमेंट की डिटेल्स चाहिए हमें, चेक करिए एक बार, मेरे ख्याल से कुछ रहा तो है नहीं। एक पॉइंट रहा कि व्हाट इफ यू फेल टू मेंटेन, ये लिख लो, उसी के नीचे पॉइंट लिखता है व्हाट इफ यू फेल टू मेंटेन, तो अज्यूम क्या जाएगा और 73 74 के अंदर प्रोसीडिंग्स चलाए जाएंगे। व्हाट इफ यू फेल टू मेंटेन, गुड्स पकड़े गए, उसके अकाउंट्स पकड़े नहीं गए, अकाउंट्स नहीं रखे हुए, तो ये समझ जाएगा कि आपने इसके अकाउंट्स रखे थे और उसके ऊपर पेनल्टी लगाया जाएगा।
डन।